सुनने वाले सारे भाइयों बहनों और छोटे बड़े सब को मेरी राम राम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ माही चौथ की कहानी। इसे सकट चौथ, तिल चौथ, संकष्टी चतुर्थी, संकटी चतुर्थी, गणेश चौथ आदि नामों से भी जाना जाता है। कहानी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर भी करें और घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिल जाए। अगर आप संक्रांति के नेक चारों के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके बारे में मेरा एक दूसरा वीडियो है, जिसे देखने के लिए ऊपर कोने में दिए आई बटन पर क्लिक करें। यदि आप सिर्फ 35 मिनट में पूरा सुंदरकांड सुनना चाहते हैं तो कहानी के अंत में वीडियो में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इस वीडियो से मैंने अपने कहानी के पैटर्न में थोड़ा बदलाव किया है। अब तक हर वीडियो में मारवाड़ी कहानी पहले होती थी और हिंदी की कहानी बाद में होती थी। इस वीडियो में और आगे आने वाले सभी वीडियो में हिंदी की कहानी अब पहले होगी और मारवाड़ी की कहानी उसके बाद होगी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। माही चौथ की कहानी। एक साहूकार और साहूकारनी थे। वे लोग अपने घर में धर्म, पुण्य, व्रत कुछ नहीं करते थे, इसी कारण उनकी कोई भी संतान नहीं हुई। एक दिन पड़ोसन माही चौथ की कहानी सुन रही थी। तब साहूकारनी ने उसके पास जाकर पूछा कि ये तुम क्या कर रही हो। पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तब साहूकारनी ने पूछा कि चौथ के इस व्रत से क्या होता है। वो बोली, इससे अन्न, धन, सुहाग होता है, बेटा होता है। तब साहूकारनी बोली कि अगर मैं गर्भवती रह जाऊं तो मैं सवा शेर का तिलकुटा करूंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी। कुछ दिन बाद वो गर्भवती हो गई। तब उसने कहा कि अगर मेरे लड़का हो जाए तो मैं ढाई शेर का तिलकुटा करूंगी। 9 महीने बाद उसके लड़का भी हो गया। तब वो बोली, हे चौथ माता, जब मेरे बेटे का ब्याह होगा तब मैं सवा मन का तिलकुटा करूंगी। ऐसे ही समय बीतता गया और बेटे के विवाह का समय भी आ गया। जब वे लोग बेटे का विवाह करने के लिए चले तो चौथ और विनायक जी ने आपस में बात की कि ये जब से गर्भवती हुई है तब से बार बार तिलकुटा बोलती है और अब बेटा ब्याहने भी चली तो भी इसने एक भी तिलकुटा नहीं किया और ना ही व्रत किया। अगर हम इसे अपना चमत्कार नहीं दिखाएंगे तो कलयुग में हमें कोई नहीं मानेगा, तो हम ऐसा करते हैं कि इसके बेटे को फेरों में से उठा ले आएंगे। उधर शादी के समय बेटे ने 3 फेरे तो ले लिए। चौथे फेरे में गरजती हुई चौथ माता आई और उन्होंने दूल्हे को उठाकर पीपल पर बैठा दिया। सारे फेरों में हाहाकार मच गया। लोगों ने सब जगह दूल्हे को ढूंढा लेकिन वो कहीं भी नहीं मिला। इस बात को बहुत से दिन बीत गए। होली आई और होली के बाद गणगौर की पूजा शुरू हो गई। गांव की लड़कियां गणगौर पूजने के लिए गांव के बाहर दूब लाने जाती। तब पीपल पर बैठा हुआ वो साहूकारनी का बेटा कहता, आए मेरी आधी दुल्हन। ये बात सुन सुनकर साहूकारनी की बेटी डर के मारे सूख कर कांटा हो गई। तब उसकी माँ ने एक दिन कहा, बेटी मैं तुझे अच्छी तरह खिलाती पहनाती हूँ, तू ऐसे सूखती क्यों जा रही है। तब लड़की बोली कि माँ, जब मैं दूब लाने जाती हूँ तब पीपल में से एक आदमी मुझे कहता है, आ ए मेरी आधी दुल्हन। उसने एकदम दूल्हे जैसे कपड़े पहन रखे हैं, मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ वहाँ गई और उसने क्या देखा कि उसका ही जवाई वहाँ पेड़ पर बैठा था। तब वो अपने जवाई को बोली, मेरी बेटी को अधब्याही करके छोड़ दिया और अब यहाँ बैठे क्या कर रहे हो, अब वो बेचारी क्या करेगी। वो बोला, मैं अपनी मर्जी से यहाँ थोड़ी बैठा हूँ, मुझे तो चौथ माता और गणेश जी ने यहाँ रखा हुआ है। मेरी माँ ने उनका तिलकुटा बोला था जो उन्होंने किया नहीं, इसकी वजह से चौथ गणेश नाराज हो गए हैं और उन्होंने मुझे यहाँ लाकर बैठा दिया। लड़की की माँ उसी वक्त लड़के की माँ के पास गई और उनसे पूछा कि तुमने गणेश चौथ का कुछ बोला था क्या। तब साहूकारनी बोली कि हाँ, हमने तिलकुटा बोला था। तब साहूकारनी ने हाथ जोड़कर कहा, हे चौथ माता, अगर मेरा बेटा वापस आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुटा करूंगी। लड़की वालों ने भी 2.5 मन का तिलकुटा बोल दिया। तब गणेश चौथ राजी हो गए और उसके बेटे को वापस लाकर फेरों में बैठा दिया। धूमधाम से बेटे का विवाह हो गया। उन्होंने उसी वक्त 2.5 मन का तिलकुटा किया और साहूकारनी ने कहा, हे चौथ माता, तुम्हारी आशीष से ही मेरे बेटे बहु वापस आए हैं, अब मैं हमेशा तिलकुटा करके तुम्हारा व्रत करूंगी। उन्होंने सारे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब कोई तिलकुटा करके चौथ का व्रत करें। हे चौथ माता,
जैसे उनके बेटे बहू को मिलाया वैसे सबके मिलाना, कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार के मिलाना। गणेश जी की कहानी। एक देवरानी थी, एक जेठानी थी। देवरानी के घर में बहुत धन था, लेकिन जेठानी बहुत गरीब थी। जेठानी गणेश जी की बहुत आराधना किया करती थी। वो अपनी देवरानी के घर आटा पीसने जाया करती थी। जिस कपड़े से आटा छानती वो कपड़ा अपने घर ले जाती और उसे झाड़कर उसमें से जो आटा निकलता उसकी रोटी बनाकर अपने पति को खिला देती। एक दिन देवरानी के बच्चों ने देख लिया और अपनी माँ से जाकर बोले कि माँ, ताई अपना आटा छानने वाला कपड़ा अपने घर ले जाती है और उसमें से रोटी बनाकर ताऊजी को खिलाती है। ये बात सुनकर देवरानी को बहुत गुस्सा आया और उसने जेठानी से कहा कि जब हमारे घर से जाओ तो आटा छानने का कपड़ा यहीं रखकर और हाथ धोकर जाया करो। अगले दिन जेठानी हाथ धोकर अपने घर गई, तब उसके पति ने कहा कि रोटी बनाकर दे। तब जेठानी बोली कि आज तो देवरानी ने आटा छानने का कपड़ा भी रख लिया और हाथ भी धुलवाकर भेजा है, तो मैं रोटी कहाँ से बनाकर दूं। तब उसके पति ने गुस्से में आकर उसे लकड़ी से बहुत मारा। वो गणेश जी करते हुए सो गई। सपने में गणेश जी आए और उन्होंने उससे पूछा कि तू क्यों सो रही है। वो बोली कि मुझे मेरे पति ने मारा। मैं अपनी देवरानी के आटा पीसने जाया करती थी, वहां से आटा छानने का कपड़ा लाती और उसे झाड़कर उसमें से जो आटा निकलता उसकी रोटी बनाकर अपने पति को खिलाती। आज देवरानी ने कपड़ा भी रख लिया और हाथ भी धुलवा लिए, तो मैं कहां से रोटी बनाकर देती, इसलिए मेरे पति ने मुझे मारा। तब गणेश जी बोले कि मैं घर घर से तिलकुटा खाकर आया हूँ, निबटने की इच्छा हो रही है, मैं कहां जाऊं। वो बोली महाराज, बहुत जगह पड़ी है, जहां आपका मन करे वहां निबट लो। गणेश जी निमट कर बोले, निमट तो लिया, अब पहुंचूं कहां। तब वो गुस्से में आकर बोली, मेरे सर में पहुंच लो। गणेश जी उसके सर में पहुंचकर चले गए। जब वो सोकर उठी तो उसने देखा सारा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है, सारा सर भी जगमगा रहा है। वो उस धन को बटोरने लगी तो देवरानी के घर जाने में देर हो गई। देवरानी ने बच्चों को भेजा कि देख कर आओ, आज ताई आई क्यों नहीं। उन्होंने जाकर देखा तो ताई तो धन बटोर रही थी। उन्होंने अपनी माँ को जाकर बोला कि ताई के घर में तो बहुत धन हो गया है। देवरानी भागी भागी जेठानी के पास गई और बोली कि तुम्हारे इतना धन कैसे हुआ। जेठानी बोली कि तूने मुझे आटा छानने का कपड़ा नहीं दिया, इसलिए मेरे पति ने मुझे लकड़ी से मारा, मार खाकर मैं सो गई। गणेश जी आए और बोले कि क्यों सो रही है। मैंने कहा कि मेरे पति ने मुझे मारा। वो बोले कि मैं कहां निपटूं, तो मैंने कहा कहीं भी निबट लो। फिर उन्होंने पूछा कि अब मैं पहुंचूं कहां, तो मैंने कहा मेरे सर में पहुंच लो। गणेश जी मेरे सर में पहुंचकर चले गए। उसके बाद से मेरे घर में धन ही धन हो गया। इतनी बात सुनते ही देवरानी के तन बदन में आग लग गई। वो घर गई और अपने पति से बोली कि मुझे लकड़ी से खूब मारो। जेठानी के पति ने उसे मारा तो उसके घर में धन हो गया। उसका पति बोला, अरे धन की भूखी, तेरे पास किस चीज की कमी है जो तू मार खाना चाहती है। लेकिन वो मानी नहीं, बोली नहीं मुझे तो मारो। तब उसके पति ने उसे खूब मारा। वो अपना सारा मकान खाली करके सो गई। गणेश जी आए और बोले कि मैं कहां निपटूं। तब वो बोली, महाराज उसका तो छोटा सा मकान था, मेरा तो बहुत बड़ा मकान है, जहां आपकी इच्छा हो वहां निमट लो। गणेश जी सारे घर में निमट लिए। फिर उन्होंने पूछा कि मैं पहुंचूं कहां। तब वो बोली, आओ मेरे सर में पहुंच लो। उसके सर में पहुंचकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जब सुबह उठी तो क्या देखा कि सारे घर में गोबर कूड़ा पड़ा सड़ रहा है। वो हाथ जोड़कर बोली कि महाराज ये आपने क्या छल किया, जेठानी को तो धन दिया और मुझे ये गोबर कूड़ा दिया। तब गणेश जी बोले कि तूने धन के लिए मार खाई और उसने धर्म के लिए मार खाई। तब देवरानी बोली, हे महाराज मुझसे गलती हो गई, आप ये अपनी सारी माया समेटो, मुझे धन नहीं चाहिए। तब गणेश जी बोले कि पहले तू तेरे धन में से आधा धन जेठानी को दे, तब मैं ये सारी माया समेटूंगा। उसने अपने धन में से आधा धन जेठानी को दिया। तब गणेश जी ने अपनी सारी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसा देवरानी को दिया वैसा किसी को मत देना, और जैसा जेठानी को दिया वैसा सबको देना, कहते सुनते हुकारा भरते अपने सारे परिवार को देना, हमें भी देना। माही चौथ की कहानी। एक साहूकार साहूकारनी था। वह घर में धर्म पुण्य व्रत कुछ को नहीं करता।
जिके से बना के कोई लड़को लड़की को नहीं होयो। एक दिन बीकी पड़ोसन माही चौथ की कहानी सुने थी। जब साहूकारनी उनके पास जाकर बोली, थे यो के करो हो? जनाबा बोली, आज चौथ को बरत है, सो कहानी सुना हा। जब साहूकारनी बोली कि चौथ के बरत से के होवे है? जद वा बोली कि इनसे अन्न धन सुहाग होवे, बेटा होवे। जब साहूकार की बहू बोली, मैं भी नहीं रह जाऊं तो सवा सिर को तिलकुट्टो करूं और चौथ को बरत भी करूं, पीछे बा नहीं रहेगी। पीछे बोली कि मेरे छोरो हो जावे तो ढाई सिर को तिलकुट्टो करूंगी, जना उनके लड़को भी हो गयो। पीछे वा बोली, हे चौथ माता, जब मेरे बेटे को ब्याह होवेगो तो मैं सवा मन को तिलकुट्टो करूंगी। बोला बरस बीत गया और बेटे को ब्याह भी मन गयो। जद बे लोग ब्याह करने जान ला गया, जद चौथ बिंदायक आपस में बतलाया कि या तो जद से नहीं रही है, जद से रोज तिलकुट्टो बोले है, और अब बेटो ब्यावन भी चाली तो भी एक भी तिलकुट्टो करो कोनी। अगर आपा इन्हें परचो नहीं दिखावांगा तो आपा ने कलयुग में कोई कोनी मानेगो, जिको आपा इके बेटे ने फेरा में से उठा लावांगा। उठी ने बीको बेटो तीन फेरा तो ले लिया। चौथे फेरे में चौथ माता गाजती घोरती आई और बींद ने उठाकर पीपल पर बैठा दियो। फेरा में सारे हाहाकार माच गयो। सगले बींद ने ढूंढ लियो लेकिन कठे भी मिलो कोनी। अहियां बोला सारा दिन बीत गया। गांव की छोरियां गणगौर पूजने के लिए गांव के बाहर दूब लान जाती, तब वो पीपल पर से कहतो, आए मेरी अदब्यायोड़ी। यह बात सुन सुनकर बाई सूख सूख के पिंजर होगी। जना छोरी की माँ बोली, बेटी मैं तने चोखो खुआऊं पहराऊं, तू क्यों सूखगी? जब छोरी बोली कि माँ मैं दूब लान जाऊं, जना पीपल में से एक आदमी बोले, आए मेरी अदब्यायोड़ी, और वो एकदम बींद का सा कपड़ा पहन रखा है, मेहंदी लगा रखी है और सेवरो भी बांध रखियो है। जद बी की माँ उठे गई और देखे तो बी कोई जवाई बैठो है। जद वा आपके जवाई ने बोली कि थे अठे क्यों बैठा हो? मेरी बेटी ने अदब्याई कर दी, अब वा क्या के लागे? जद वो बोलियो, मैं तो चौथ गणेश के गैण पड़े हूँ, मेरी माँ तिलकुटो बोलियो थो जिको करो कोनी, जिके से चौथ गणेश नाराज हो गया और मने उरे लाकर बैठा दियो। बा उई बखत दौड़ी दौड़ी गई और पूछी कि थे गणेश चौथ को कुछ बोलियो है के? जद साहूकारनी बोली कि हाँ तिलकुट्टो बोलियो थो। जद साहूकारनी औरू बोली, हे चौथ माता, मेरो बेटो पाछो आ जावे तो मैं ढाई मन को तिलकुट्टो करूंगी, लड़की वाला भी ढाई मन को तिलकुट्टो बोल दियो। जद गणेश चौथ राजी हो गया और उके बेटे ने ल्याकर फेरा में पाछी बैठा दियो। धूमधाम से बेटे को ब्याह हो गयो। जना बे लोग ढाई मन को तिलकुट्टो कर दियो और बोली, हे चौथ माता, तेरी आशीष से मेरा बेटा बहु आया है, जिको सदा थारो तिलकुट्टो करके बरत करूंगी। जद सारे गांव में हेलो फिरा दियो कि सब कोई माही चौथ ने तिलकुट्टो करके चौथ को बरत करियो, हे चौथ माता, जिसा उनका बेटा बहु मिलाया, जिसा सबका मिलाइयो। कहते सुनते हुकारा भरते अपने सारे परिवार का मिलाइयो। बिंदायक जी की कहानी। दो दोरानी जेठानी थी। दोरानी के धन थो, जेठानी बहुत गरीब थी। जेठानी गणेश जी की बहुत आराधना कराया करती। वह आपकी दोरानी के चून पीसन जाया करती, तो जिके कपड़े से चून छानती वो कपड़ो आपके घर ले जाती और बी में से चून झाड़ कर बी की रोटी पोकर आपके धनी ने खुआ देती। एक दिन दोरानी का टाबर देख लिया और आपकी माँ ने बोलिया कि माँ, ताई अपनो चून छानन को कपड़ो ले जावे है और बी ने झाड़ कर ताऊजी ने रोटी बनाकर देवे है। यह बात सुनकर दोरानी बहुत खीजी और जेठानी ने बोली कि मारे से जावे, जना चून छानन को कपड़ो धर कर और हाथ धोकर जाया कर। जना अगले दिन जेठानी हाथ धोकर आपके घर आ गई। जद धनी बोलो कि रोटी करके दे। जद जेठानी बोली कि आज तो वह चून छानन को कपड़ो भी राख लियो और हाथ भी धुआ कर भेजी है। जद उनको धनी गुस्से में आकर उन्हें पाटा से मारन लाग्यो। वह गणेश जी करती सोगी। जद सुपने में गणेश जी आया और पूछो कि क्यों सूती है? जद वह बोली कि मने मेरो धनी मारी, मैं दोरानी के चून पीसन जाती, चून छानन को कपड़ो ले आती और बीने झाड़ कर रोटी पोकर मेरे धनी ने खुआती। आज दोरानी कपड़ो राख लियो और हाथ भी धुआ लिया, जना मैं कठे से खुआती, जिके से मेरो धनी मन ने मारो। जद गणेश जी बोलिया, मैं घर घर से तिलकुट्टो खाकर आयो हूँ, निमटन की मन में हो रही है, कठे जाऊं? जदवा बोली, महाराज घनी जगह पड़ी है, चाहे जठे निमट लियो। गणेश जी निमट कर बोलिया, निमट तो लियो, अब पूछू कठे? जदवा गुस्से में बोली, मेरे सिर में पूछ लो। गणेश जी बी के सिर में पूछ कर चला गया। जदवा उठकर देखे तो सारो घर हीरे मोतियां से जगमगावे है, सारो सिर भी जगमगावे है। जद धन ने बटोरन लागी तो दोरानी के जाने में देर होगी। जद दोरानी टाबरा ने भेजो कि देख कर आओ आज ताई आई क्यों कोनी। जब टाबर आकर देखो तो ताई तो धन बटोरे है
जद भी आपकी माँ ने जाकर बोलिया कि ताई के तो बहुत धन हो रहे है। दुरानी भागी भागी जिठानी के पास गई और पूछो थारे इतनो धन कहिया होयो। जदवा बोली तू मन्ने चून छानने को कपड़ो को नहीं दियो। जद मेरो धनी मन्ने पाटा से मारी। जद मैं सोगी गणेश जी आया और मन्ने पूछो कि क्यों सूती है। जद मैं बोली कि मन्ने मेरो धनी मारी। गणेश जी बोला कि मैं कठे निमटू। तो मैं बोली कि मेरो तो सारो घर खाली पड़ो है, जनाथे सारे घर में निमट लो। फिर वे पूछी कि अब पूछू कठे। जद मैं बोली कि मेरे सिर में पूछ लो। जद गणेश जी मेरे सिर में पूछ कर चला गया। जद से मेरे तो धनी धन हो गयो। इतनी बात सुनकर दुरानी आपके घर आ गई और आपके धनी ने बोली कि मैंने पाटा ही पाटा से मारो। जिठानी को धनी उन्हें मारो, जद बी के धन होयो। धनी बोलो कि तू क्यों मार खावे है धन की भूखी। जदवा बोली कि नहीं मन्ने तो मारो। जद बी को धनी बी ने खूब मारी। पीछे वह आपको सारो मकान खाली करके सोगी। गणेश जी आया और बोलिया कि मैं कठे निमटू। जदवा बोली महाराज बी को तो छोटो सो मकान थो, मेरो तो घणो ही बड़ो मकान है, थारी इच्छा होवे जठे निमट लो। जद गणेश जी सारे में निमट लिया। पीछे गणेश जी पूछी कि अब मैं पूछू कठे। जदवा बोली कि आओ मेरे सिर में पूछ लो। गणेश जी के सिर में पूछकर अंतर्ध्यान हो गया। जद सवेरे उठी तो देखे सारे गोबर कूड़ो पड़े सड़े है। जना वह हाथ जोड़कर बोली कि महाराज थे यो के कपट करो, जिठानी ने तो धन दियो और मन ने कूड़ो दियो। जद गणेश जी बोलिया कि तू धन की भूखी मार खाकर सोई, वह धर्म की भूखी मार खाई। जद दुरानी बोली हे महाराज या थारी सारी माया समेटो, मन्ने तो धन कोनी चाहिए। जब गणेश जी महाराज बोलिया कि तू तेरे धन में से आधो धन जेठानी ने दे। जब पहली बार आपके धन में से आधो धन जेठानी ने दियो, जब गणेश जी आपकी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज जिसो दोरानी ने दियो बिसो कोई ने भी मत ना दियो, जिसो जेठानी ने दियो बिसो सब कोई ने दियो। कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार ने दियो, महाने भी दियो।